हेलो एवरीवन, अगर आप भी अपने मोबाइल फोन को कुछ इस प्रकार का लुक देना चाहते हैं, आई मीन कंप्यूटर जैसा बनाना चाहते हैं, लैपटॉप जैसा बनाना चाहते हैं और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप ये कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपका भी शौक है कंप्यूटर चलाने का और आपके पास बजट नहीं है, कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में हम बस यही देखने वाले हैं कि अपने मोबाइल फोन को कंप्यूटर जैसा और लैपटॉप जैसा कैसे बनाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली ऐसी और नई वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट्स बिगिन स्टार्ट। अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पर अपना प्ले स्टोर ओपन कर लिया एंड आपको यहाँ पर सर्च करना है आपको कंप्यूटर लॉन्चर। तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर जैसे आप सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। एंड यहाँ पर देख सकते हैं 12 MB का ये एप्लीकेशन है और इसकी रेटिंग है 4.6 की। तो इसे हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर इंस्टॉल होने लगा। अब इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर इसे ओपन करना है। यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आ जाएगा अभी इंटरफेस। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी पूरी स्क्रीन कंप्यूटर में बदल चुकी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इधर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कन्फर्म इनेबल ब्लर, तो यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है, ये परमिशंस मांगेगा कुछ। एंड इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल कंप्यूटर जैसा लुक यहाँ पर लैपटॉप जैसा आ चुका है। एंड यहाँ पर आपके सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल्स होंगे, यहाँ पर फेसबुक एंड काफ़ी कुछ। इसके बाद मैं यहाँ पर अब कट करता हूँ। यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर दिस पीसी एंड थीम्स, तो यहाँ पर मैं इसके बाद यहाँ पर एक्सेस नेटवर्क डिवाइस, यहाँ पर आपका डिवाइस का नाम मांगेगा तो आप अपना डिवाइस का नाम यहाँ पर फीड। मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नेम भर दिया ओप्पो एंड इसे डन कर देते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एंड काफ़ी यार सही लग रहा है, बिल्कुल सेम आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स पिक्चर्स। एंड यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पिक्चर्स को खोला, सारे फाइल्स आ चुकी हैं जो भी मेरे मोबाइल फ़ोन में है। और मैं यहाँ पर इसे यहाँ से इसे हमेशा के लिए इसे कट कर सकते हैं यहाँ से आप। तो मैंने यहाँ पर दोबारा ओपन किया और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे आपको जो भी आपको कंप्यूटर में दिखता है वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। तो मैंने जैसे यहाँ पर वीडियोज़ हैं, मेरी वीडियोस पिक्चर्स एंड काफ़ी कुछ यहाँ पर आ जाता है, तो मैं यहाँ पर इसे कैंसिल कर देता हूँ। एंड थीम्स आपको मिल जाएगा, कंप्यूटर्स का थीम जो आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओल्ड स्टाइल्स MI, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी थीम्स अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं कर रहा, मुझे ऐसे ही रखना है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं टाइम डेट एंड यहाँ पर कॉल लगाने के लिए भी दिया गया। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट खुल जाएगा एंड व्हाट्सअप यूट्यूब गूगल्स सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। एंड इसके बाद मैं यहाँ पर जैसे दिस PC पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लोकल डिस्क जैसा आता है कंप्यूटर में हमारे, वैसे ही आ जाता। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरी फाइल मैनेजर यहाँ पर ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर कहीं भी जाकर इसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, जिसमें यहाँ पर लॉन्ग प्रेस किया और यहाँ पर ये कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा, कट कॉपी पेस्ट डिलीट एंड रिनेम काफ़ी कुछ आ जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पर मल्टी स्क्रीन करने के लिए आप इसे छोटा भी कर सकते हैं और भी कुछ काम कर सकते हैं। लाइक मैं दोबारा से इसी को खोल लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं दो बार खुल चुका है। एंड अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो आप इसे हैंडल कर सकते हैं एंड काफ़ी यार सही लगता है। यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हैं, यहाँ पर डाटा रोटेट हॉटस्पॉट सभी आपके जो क्विक सेटिंग्स होगी वो यहाँ पर आ चुकी हैं एंड काफ़ी यार रियली में सही लग रहा है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।